उनकी सेंट जोसेफ एकेडमी में कक्षा 6 में पढ़ने वाले तथागत आनंद श्रीवास्तव अभी मात्र 10 साल के हैं। पिता डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव और माता श्रीमती डॉक्टर रमा श्रीवास्तव के इस होनहार बच्चे को कविताओं की पहली किताब उसकी छपकर आई है, जिसका नाम है तैघाट श्रीवास्तव पोएट्री बुक्स इम्प्रेशन। शीर्षक कविताओं की तथागत की ये किताब ऑनलाइन साइट्स पर उपलब्ध है और इस किताब की देश भर में खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले तथागत को मैंने लिखते हुए देखा, इसकी प्रतिभा देखी। हम लोग 2014-15 में बाहर गए हुए थे सिंगापुर और मलेशिया, तो हर एक रात को मैं देखूं कि तथागत वहां पे होटल के कमरे की डायरी में पेन से कुछ ना कुछ लिख देते थे। एक दिन मैंने ध्यान से देखना चाहा, तथागत उस समय सिर्फ 6 साल के थे। मैंने देखना शुरू किया तो उसमें रोज की एक्टिविटीज ये अपने लिखा करते थे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा उसमें, इन्हें क्या मजा आ गया और क्या उन्होंने पेक्यूलियर सा देखा वहां पर। आज हम आपको 11 साल के एक ऐसी प्रतिभा से मिलाएंगे जो भले 11 साल के हों पर लेकिन ये 30 कविताएं लिख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे जानेंगे आपकी जो बुक आपने निकाली, क्या इस बुक का नाम है, कितनी इसके अंदर कविताएं हैं? मेरी बुक का नाम इम्प्रेशंस है और इसके अंदर 30 कविताएं हैं। ये 30 कविताएं मेरी आसपास के सराउंडिंग्स और मेरे थॉट्स और मेरे फेवरेट पोएम्स और कुछ मीनिंगफुल पोएम्स भी हैं, उन्हीं सब मीनिंग्स पर मतलब बेस्ड है ये पोएम्स। आपको कहां से ये आइडिया आया कि मुझे पोएम लिखनी चाहिए? वेल, मुझे ये आइडिया तब आया जब मैं 5th क्लास में था। जब मैं 5th क्लास में था तब कई लोगों ने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि मैं पोएम लाऊं। एक्चुअली उस दिन टीचर्स डे था और सब लोग गिफ्ट्स ला रहे थे ना, हंसी मजाक में उन्होंने कहा। मैं सोच रहा था मजाक कर, वो सोच रहे थे कि मैं नहीं ला पाऊंगा। जो सोच रहे थे कि मैं ला पाऊंगा वो लोग एक्चुअली कह रहे थे कि मैं इंटरनेट से स्टील कर लूंगा उसे, पर मैंने अपनी पोएम लिखी। तब से मेरे दिमाग में थॉट है कि मैं अगर इन पोएम्स को कंपाइल कर दूं और एक बुक फॉर्म में रख दूं तो कितना अच्छा होगा, और मैंने यही किया। फिर आगे आगे भी और लिख रहे हैं अभी? वेल, मेरी सेकंड बुक पब्लिश हो गई, पब्लिश नहीं हुई है अभी वैसे, और अभी पब्लिश होने वाली है, मैंने लिख लिया है, और अब मैं थर्ड बुक अपनी लिख रहा हूँ। हमारे साथ तथागत की मम्मी भी है, आपसे जानेंगे कि कब से आपको इनकी प्रतिभा का पता लगा कि ये साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा वो लिख रहे हैं। जी, शुरू से बड़ा ऑब्जर्वेंट और एक्सप्रेसिव किस्म का बच्चा था, चीज़ों को बहुत ही कीनली देखता था, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता था और उनके बारे में हमेशा चर्चा करता था। एक इसके बारे में एक मैं एक घटना भी आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब ये 4 साल का था उस समय मेरे हस्बैंड आनंद जी रुद्रपुर में पोस्टेड थे, तो हम लोग वहाँ पर रुद्रपुर में थे। वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में हम लोगों को इनवाइट किया गया था, तथागत भी हमारे साथ वहाँ पर गए। वो बर्थडे पार्टी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर, तथागत भी खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। जब वहाँ से लौट करके हम लोग आए तब मैंने पाया कि तथागत काफ़ी उदास था, काफ़ी सीरियस था और एक चुपचाप बैठा हुआ था। और फिर मैंने उसके पास जाकर के पूछा कि क्या बेटा तुम क्यों इतने उदास हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम बताओ मुझसे। तब उसने एक पिक्चर ड्रॉ की थी, एक फ्लो चार्ट टाइप की फिल्म थी, पिक्चर थी, जो कि उसके माध्यम से बताना चाहता था कि उस पार्टी में उसके साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ खराब हुआ। तो उसमें एक बच्चा था जो कि तथागत को हिट कर रहा था पहले चित्र में, दूसरे चित्र में तथागत को चोट लग रही थी, तीसरे चित्र में हल्का सा ब्लीड हुआ था गाल पर, तो वो उससे बहुत दुखी था। तो उस घटना को उसने इस तरह से एक्सप्रेस करके बताया मुझे, क्योंकि वो उस समय लिख नहीं सकता था, बहुत छोटा था, तो उसने चित्रों के माध्यम से मुझे ये बताया। तब से मुझे ये लगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ एक विशेष प्रकार की प्रतिभा है जो कि जिसको कि प्रमोट करना चाहिए और जिसको कि इसको भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस घटना ने मुझे ज्ञान कराया। हमारे साथ तथागत के पापा भी, हम उनसे जानेंगे। आनंद श्रीवास्तव जी हैं, लेबर कमिश्नर अभी उत्तराखंड सरकार में हैं। सर, कितनी खुशी होती है जब बेटे की प्रतिभा इतनी कम उम्र में देखने को मिलती है? सर, किसी बाप के लिए इससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं हो सकता अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखने से ज्यादा।
तो ये थे हमारे साथ तथागत, तथागत की मम्मी और पापा से भी हमने बात की, हमारी भी शुभकामनाएं हैं तथागत को। और आजकल हम आपको बता दें कि द इम्प्रेशन जो ये बुक है इसमें 30 पोएमें लिखी गई है जो आजकल मार्केट में काफी पढ़ी जा रही है और सोशल मीडिया पर भी काफी पढ़ी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जेटली के साथ मनोज चौहान, स्वराज एक्सप्रेस, देहरादून।